इंडिया के मैदान पर उतरेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। लगातार दो करीबी मैचों में जीत में आत्मविश्वास से भरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सोमवार को आईपीएल 2020 में विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच में इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमों के नाम 6 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से एक स्थान ऊपर तीसरे पायदान पर है। केकेआर और आरसीबी दोनों की परेशानी बल्लेबाजी है। इन टीमों के मुख्य बल्लेबाज लय बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। केकेआर ने हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ पिछले 2 मैचों में आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी से मैच का पासा पलटा है, जिसमें टीम का मनोबल काफी बड़ा होगा। आरसीबी के खिलाफ भी गेंदबाजी ये लय बरकरार रखना चाहिए। कप्तान विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से शिकस्त देने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कोशिश भी जीत की लय बरकरार रखने की होगी। केकेआर के लिए हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात बड़े शॉट लगाने वाले आंद्रे रसेल की उपलब्धता है होगी, जो शनिवार को पंजाब के खिलाफ मैच में कैच लेने की कोशिश में चोटिल हो गए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने हालांकि मैच के बाद उनकी चोट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, जब भी आंद्रे रसेल चोटिल होते हैं तो हम टीम को मुश्किल पड़ जाती है। वह बहुत विशेष खिलाड़ी है, हमें देखना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। केकेआर के लिए कार्तिक का लय में आना शुभ संकेत है, जिन्होंने पंजाब के लिए 29 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी लय में है। सुनील नरेन की जगह पारी का आगाज कर रहे राहुल त्रिपाठी ने सीएसके के खिलाफ 81 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला। नितेश राणा और इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन लगातार अच्छी बल्लेबाजी करने में विफल रहे हैं। शुरुआती मैचों में लचर बल्लेबाजी करने वाले कोहली के लय में आने से आरसीबी की बल्लेबाजी को बल मिला है। इस 31 साल के खिलाड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 43 और फिर चेन्नई के खिलाफ 90 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को छोड़कर दूसरे बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रही है। ऑरन फिंच और एबी डिविलियर्स लय हासिल करने के लिए जूझते दिखे रहे हैं। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल शानदार लय में है। दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला क्रिस मॉरिस के आने से टीम के लिए इस विभाग में पैनापन आया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज की जीत कौन सी टीम के हाथ में है।